13 सूत्रीय मांगों को लेकर वन विभाग के कर्मचारियों का प्रदेश स्तर पर लगातार 13 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। इसी क्रम में बिलासपुर वनमंडल अधिकारी के वन कर्मचारियों का भी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। बिलासपुर में संभाग स्तरीय वन विभाग के अनिश्चितकालीन हड़ताल का रोजाना किसी न किसी का समर्थन उन्हें मिल रहा है। बीते दिनों जहां वन विभाग के महिला कर्मचारियों का विभाग को समर्थन मिला, तो वहीं रेंजर भी एक दिवसीय हड़ताल पर वन कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल हुए। इसी तरह बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे समेत कांग्रेस पार्टी के दल भी वन विभाग की ओर से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल का समर्थन करने उतरे। बताया जा रहा है कि वन विभाग के प्रदेश स्तर पर चल रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर विभागीय कार्यालयों के साथ साथ वन्य प्राणी और जंगल भगवान भरोसे हैं। अगर इस दौरान कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो वन विभाग के कर्मचारियों ने इसका जिम्मेदार समस्त DFO को बताया। लगातार 13 दिनों से जारी वन विभाग के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर शनिवार को संभागीय स्तरीय वन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों से अहम मीटिंग आयोजित की गई, जहां आगामी हड़ताल को लेकर रणनीति तैयार की गई, साथ ही रूपरेखा तैयार की गई। मीडिया से जानकारी साझा करते हुए वन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि हमारी 13 सूत्रीय मांग जो जायज है, उनकी जानकारी छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल तक हो चुकी है। हालांकि इससे पहले वे वन मंत्री समेत अन्य विभाग के आला अधिकारियों से भी मिलकर अपनी जायज मांगों को लेकर चर्चा कर चुके हैं, बावजूद इसके अब तो कोई हल नहीं निकला। वहीं जानकारी ये भी मिल रही है कि वन विभाग के हड़ताली आंदोलनकारियों पर शासन प्रशासन जबरदस्त दबाव बना रहा है। उन्हें चेतावनी दी जा रही है कि वह कार्य पर वापस लौट आए, अन्यथा उनके विरुद्ध विभागीय और विधिवत कार्रवाई की जाएगी। फिर भी वन कर्मचारी अपनी जिद पर अड़े हैं। जब तक उनकी जायज मांगे पूरी नहीं हो जाती, चाहे उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए, लेकिन उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म नहीं होगी। तारीख से 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। अभी सभी छत्तीसगढ़ राज्य में 17,600 वन कर्मचारी अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। 12 सूत्रीय मांगों में शासन के ऊपर किसी प्रकार का वित्तीय भार नहीं है और इन अभी आज 13वां दिन है हमारे हड़ताल का। 13वां दिन में हमारे चार बार हो गया है, चार राउंड में हम लोगों का वार्तालाप चल रहा है। सैद्धांतिक रूप से चल रहा है, लेकिन लिखित रूप से किसी प्रकार का हम लोगों को लिखित में आदेश नहीं मिल रहा है। और जब तक हमारी मांगों पे लिखित आदेश नहीं देंगे, तब तक हम लोग वन कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। इस प्रकार DFO से नहीं हुए, लेकिन प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख श्री राकेश चतुर्वेदी जी, माननीय वन मंत्री मोहम्मद अकबर जी और वन सचिव और प्रमुख सचिव से हम लोगों की वार्तालाप हो चुकी है। लिखित में सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं कर रहा है। जबकि हमारा वन क्षेत्र छत्तीसगढ़ में 42% है, जिसकी रक्षा हम करते हैं, प्रकृति की रक्षा हम करते हैं, लेकिन हमारी रक्षा करने के लिए शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई लिखित में हमको आदेश नहीं मिला है। निश्चित रूप से कर्मचारी विरोधी कार्य हो रहा है, जबकि हमारा दो मांगे जो प्रमुख है 27,50 37,50 वेतन विसंगति, जो ऑलरेडी हम लोगों को वेतन प्राप्त हो रहा है, लेकिन शासन की तरफ से अभी जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हो रहे हैं उनके ऊपर वसूली का आदेश जारी हो रहा है 2,00,000 3,00,000, उसको रोकने के लिए भी आदेश जारी नहीं कर रहे हैं और न ही 2003 से जो विसर्ग वेतन विसंगति है उसको दूर कर रहे हैं। जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होगी, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। मैं वेद प्रकाश शर्मा, संभागीय अध्यक्ष बिलासपुर संभाग, छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ। आज 14वां दिन है, शासन से चर्चा हो रही है, तीन दौर की चर्चा हो चुकी है, कल चौथे दौर की भी चर्चा हुई थी। हमारी एक प्रमुख मांग है 2003 से 30-50 का वेतन मान देने का, उसकी प्रेसी प्रस्ताव मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका है, उनके आदेश होने का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। जैसे ही आदेश हो जाएगा हमारी हड़ताल कॉल ऑफ हो जाएगी। किस प्रकार का आश्वासन उस तरफ से लेकर बोल कर रहा ना भाई, मुख्यमंत्री के पास प्रस्ताव पहुंच गया है सर, वन विभाग ने प्रस्ताव भेज दिया सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी ने वित्त को, वित्त ने मुख्यमंत्री को, और ऐसी पूरी उम्मीद है। अब आज 2 दिन छुट्टी पड़ गई है, सोमवार को हो जाने की उम्मीद है, या जैसा कि उन्होंने कहा है PCCF ने कि 1 सप्ताह की भी संभावना है, क्योंकि मुख्यमंत्री बहुत व्यस्त रहते हैं, तो हो सकता है 2 दिन भी लग सकता है, 4 दिन भी लग सकता है। जैसे ही हड़ताल कंप्लीट मतलब आदेश जारी हो जाएगा, क्योंकि सहमति वित्त विभाग को भी है, सबको सहमति है, लेकिन आदेश नहीं हो रहा है, हम सिर्फ आदेश का इंतजार कर रहे हैं। ये वन्य प्राणी से लेकर जंगल तक भगवान भरोसे है, इस कौन होगा इसका जिम्मेदार? DFO। आप DFO से क्यों नहीं पूछते? मैं अच्छा प्रश्न किया आपने। हम लोगों को तो पहले कहा जाता था कि क्या कहते हैं समिति वनों की सुरक्षा कर रही है, आज समितियां कहाँ है मैं पूछता हूँ, वो DFO बताते क्यों नहीं? फिर AC में बैठ के आग नहीं बुझाई जाती, वो क्यों नहीं करते हैं जाके, चाहे दिखावे के लिए ही करते, जैसे सरगुजा का CCF ने किया आग बुझाते हुए, उसकी फोटो आई है,
ये दिखावे के लिए चले जाए, देखे तो आग बुझाने में कितनी तकलीफ होती है, क्या छांज पड़ती है, आदमी झुलस जाता है, रात रात भर आग बुझाना पड़ता है। ये लोग तो हमें डिक्लेयर कर दिए थे कि वन विभाग के कर्मचारी फॉरेस्टर निकम्मे हैं, ये कुछ नहीं करते हैं, जो करती है समितियां करती हैं। आज कहाँ है समितियां, क्यों आग लगी हुई है? समिति तो आज भी जिंदा है, डीएफओ जिंदा है, एसडीओ जिंदा है, क्यों नहीं है? कहते हैं लोग समितियों के माध्यम से आग बुझा रहे हैं। शुभ नाम बताएंगे आपका? मेरा नाम फैयाज अहमद खान है, मैं पूर्व प्रांत अध्यक्ष, वर्तमान में प्रांतीय संरक्षक, छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट।